हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लियो एकेडमी। दिस इज सूरज कुमार सैनी, योर इंग्लिश टीचर। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द सेकंड चैप्टर ऑफ क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक, एंड दैट इज नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिस चैप्टर इज वेरी 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 एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में वन नंबर के एमसीक्यूज, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडरी, इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसे राइटर का चैप्टर है जिन्होंने वो सिचुएशन खुद फेस की है जहाँ पर फ्रीडम की बात आती है, और इस ये खुद भी एक फ्रीडम फाइटर रहे हुए हैं नेल्सन मंडेला। और इस चैप्टर में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने अपनी कंट्री को आज़ादी दिलाई, साउथ अफ्रीका को आज़ादी दिलाई, और उन्हें क्या सिचुएशन फेस करनी पड़ी। तो चलिए शुरू करता हूँ ये चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो ये चैप्टर उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने खुद से सारी बात अपनी लिखी हुई है। तो ठीक है, अब नेल्सन मंडेला के बारे में हम लोग कुछ बातें जानते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम बात जानेंगे कि वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे, और कहाँ के थे, साउथ अफ्रीका के थे। ये स्टोरी साउथ अफ्रीका की है, साउथ अफ्रीका के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे वो, और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। ठीक है, इसके बाद कैसे वो प्रेसिडेंट बन गए, तो उन्होंने 252 सीट्स जीती, और इस तरह से वो ब्लैक प्रेसिडेंट चूज किए गए। अब ये चैप्टर का थीम क्या है, ये भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चैप्टर है ये अपार्थिड सिस्टम पर बना हुआ है। अपार्थिड सिस्टम क्या होता है? अपार्थिड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो लोगों को अलग करता है अकॉर्डिंग टू देयर रेस, उनके कास्ट, उनके रिलीजन, उनके कलर कॉम्प्लेक्शन के बेस पर लोगों को अलग कर देता है। तो इस थीम पर ये चैप्टर बेस्ड है। तो साउथ अफ्रीका में अपार्थिड सिस्टम चल रहा था, ब्रिटिश रूल चल रहा था, वो लोगों को उनके कलर के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, लोग बहुत ज़्यादा सफरिंग फील कर रहे थे। तो इस सिस्टम को पूरी तरीके से रूट आउट किया, पूरी तरीके से इरेडिकेट किया नेल्सन मंडेला ने। तो कैसे ये हो पाया, क्या पॉसिबिलिटीज थी इसके पीछे, ये सारी बातें उन्होंने इस चैप्टर में लिखी हुई है। तो जैसा कि फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने मेरे साथ पढ़ा था, वही सिस्टम आज हम लोग फिर फॉलो करेंगे। आपके हाथ में ये फर्स्ट फ्लाइट की बुक होनी चाहिए, और रीडिंग करते जाएंगे, एक एक लाइन समझते जाएंगे, वन नंबर के क्वेश्चन देखते जाएंगे, और एक एक वर्ड पर फोकस करते जाएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो सबसे पहले बात की गई 10th मई की डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब सबसे पहले हम 10th मई को समझ लेते हैं कि आखिर ये 10th मई है क्या। तो 10th मई 1994 का ये टाइम है जिस टाइम पर उन्होंने ये पूरी बात, अपना पूरा कॉन्सेप्ट लिखा। और ये स्पेशल क्यों है, 10th मई 1994 को ही उन्होंने न्यू पॉलिसी का, नई गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन रखमेंट उन्होंने इंस्टॉल की 10th मई को। तो 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर। अब डॉन की स्पेलिंग देखेगा, डॉन में क्या लिखा हुआ है, DAWN, डॉन का मतलब होता है उदय, यानी कि न्यू स्टार्टिंग। तो 10th मई डॉन्ड ब्राइट एंड क्लियर, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड। आई, हु इज आई हेयर, नेल्सन मंडेला। तो क्या कह रहे हैं कि 10th मई का जो दिन था वो बहुत ब्राइट और क्लियर था, क्योंकि पिछले कई दिनों से आई हैड बीन प्लेजेंटली, बड़े खुशी से, बड़े अच्छे तरीके से, ये बिसीज का मतलब होता है गैदरिंग, गैदर्ड बाई डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। तो दुनिया भर के रेप्यूटेड पर्सन, दुनिया भर के लीडर्स के बीच में ये गैदर्ड थे, हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट बिफोर द इनॉग्रेशन, जो इनॉग्रेशन के दिन अपना अपना रिस्पेक्ट पे करने आए थे। अब इनॉग्रेशन, यहाँ वर्ड दिया हुआ है इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन मीन्स क्या होता है, इनॉग्रेशन का मीन्स होता है उद्घाटन, कुछ शुरू करना। अब यहाँ किस चीज़ को शुरू किया जा रहा है, किस चीज़ को शुरू किया जा रहा है, तो न्यू डेमोक्रेसी की बात हो रही है, एक
एक नए गवर्नमेंट की बात हो रही है, यानी एपार्थिड सिस्टम को खत्म करके जब नेल्सन मंडेला ने नई गवर्नमेंट बनाई, एक नया कॉन्सेप्ट रखा, एक नई कंट्री, एक फ्री कंट्री रखी, तो वहां पर बहुत सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के सारे लोग, वहां के वर्ल्ड लीडर्स उपस्थित है वहां पर। तो आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसीज्ड बाय द डिग्नेटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु आर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ईवर इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉयल। तो पहली बार कभी ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी अमाउंट में, इतने लार्ज गैदरिंग में कभी ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीकन सॉयल पर इतने बड़े बड़े लीडर प्रेजेंट हुए। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. अच्छा, अब ये जो inauguration कहाँ हो रहा है, देखिए वन नंबर का क्वेश्चन आ गया कि ये जो inauguration हुआ, installation कहाँ हुआ, तो ये sandstone amphitheater, और कहाँ है ये यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग्स प्रिटोरिया। तो प्रिटोरिया नाम के जगह पर यूनियन बिल्डिंग्स में सैंडस्टोन एम्पीथिएटर, एम्पीथिएटर एक स्टेडियम की तरह जगह है, ओपन स्पेस है, वहां पर सारे लोग इकट्ठे हैं और वहीं पर नए गवर्नमेंट का इंस्टॉलेशन होने वाला है। तो वहां सब लोग इकट्ठे हैं फॉर डिकेड्स, कई डिकेड्स, कई दशकों तक। दिस हैड बीन व्हाट हैड बीन, ये प्लेस, ये जो जगह है इसकी बात हो रही है। तो दिस हैड बीन द सीट ऑफ व्हाइट सुप्रीमेसी, यहां पर हमेशा व्हाइट लोगों का यानी ब्रिटिशर्स का राज रहा। And now it was a site of rainbow gathering of different colors. लेकिन आज SITE site का मतलब होता है place. तो आज ये एक ऐसा place हो गया जहाँ rainbow gathering से। What does the rainbow gathering mean? Rainbow gathering is a different people, different different color के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं, तो उनको rainbow gathering कहा जा रहा है। And nations for the installation of South Africa's first democratic and non-racial government. तो क्यों वो लोग इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि आज 10th मई 1994 को आज साउथ अफ्रीका में ऐसी गवर्नमेंट बनने जा रही है जो नॉन रेशियल है, यानी किसी कास्ट पर वो डिपेंड नहीं कर रही है, और फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो उसके लिए वहाँ पर ढेर सारे लोग, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के कई सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब ऑटम डे 10th मई को उन्होंने ऑटम डे बोला है। ऑटम का मतलब होता है पतझड़, पतझड़ का मतलब होता है कि पुरानी लीव्स चली जाती है और कुछ टाइम के बाद नई लीव्स वहां पर आती है। तो 10th मई का कंपैरिजन ऑटम डे से किया गया है। टू मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं कि वाई 10th मई इज बीइंग कंपेयर्ड टू एन ऑटम डे। तो ऑटम डे में क्या होता है, हमने बताया नई पुरानी पत्ती खत्म होती है, नई पत्ती आती है। वैसे ही 10th मई को पुराने रूल्स खत्म हुए और न्यू रूल्स आने वाले हैं। पुरानी गवर्नमेंट खत्म हुई, ओल्ड गवर्नमेंट खत्म हुई और नए गवर्नमेंट आने वाली है, तो इसलिए इसका कंपेरिजन किया गया। तो ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पेन्ड का मतलब साथ रहना। किनके साथ हैं? बाई माई डॉटर जेनानी, तो अपनी बेटी जेनानी के साथ हैं वो। On the podium, और स्टेज पर, पोडियम पर मिस्टर डी क्लर्क वॉज फर्स्ट सोन इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो डी क्लर्क हैं वो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में अपनी शपथ ले रहे हैं, सोन ले रहे हैं। थैबो मुमेकी वॉज सोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ओके, एंड वेन इट वॉज माई टर्न, और जब इनकी बारी आई, आई प्लेज्ड, उन्होंने शपथ ली। किस चीज़ की शपथ ली? टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना है, जो नए रूल बने हैं, उनको हमेशा ओबे करेंगे, अपहोल्ड करेंगे। एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बींग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। डिवोट का मतलब होता है अपने आप को समर्पित कर देना। तो जो न्यू रिपब्लिक बनाई है, रिपब्लिक और उनके लोगों के लिए अपने आप को पूरी तरह से डिवोट कर देंगे। एंड टू द असेंबल्ड गेस्ट, जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हैं, जितने गेस्ट इकट्ठे हैं, एंड द वॉचिंग वर्ल्ड, और जो लोग उन्हें देख रहे हैं, उनसे उन्होंने कहा, क्या कहा? टूडे All of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. तो जितने लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, all of us do by our presence here. तो जितने लोग वो इकट्ठे हैं वहाँ पर, जितने लोग वहाँ प्रेजेंट हैं, वो confer glory. Confer glory का मतलब यहाँ पर इकट्ठा करना, and hope to newborn liberty. सभी लोग जो नई लिबर्टी बनी है, जो नई आज़ादी मिली है, उसके लिए एक अच्छी आशा रखते हैं। And out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long. अब यहाँ देखिए, human disaster किसको बोला गया है? ये वो समय है जो पहले चला,
जहाँ लोग सफर्ड हो रहे, जहाँ लोगों ने परेशानी झेली, जहाँ लोगों ने खुद को कंट्री की फ्रीडम के लिए सेक्रीफाइस कर दिया, तो ऐसे ह्यूमन ऐसी पूरी पूरे कॉन्सेप्ट को, ऐसे डिज़ास्टर को ह्यूमन डिज़ास्टर कहा गया जहाँ लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। तो एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो इतनी सफरिंग, इतनी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद एक ऐसी कंट्री बने, एक ऐसी सोसाइटी बने जहाँ पर लोग अपने आप को फ्री महसूस कर सकें, ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जहाँ सब लोग अपने आप को प्राउड फील कर सकें, एक ऐसी कंट्री, एक ऐसा सोसाइटी बनाने के ये मूड में हैं। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलॉज यानी सारे रूल्स रेगुलेशन से बाहर। अब ये वी अपनी बात कर रहे हैं, यानी ये जो ब्लैक लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं कि जिन्हें लॉ में नहीं रखा गया था, जिन पर लॉ को फॉलो नहीं किया जाता था। नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टूडे बिन गिवन द रेयर प्रिविलेज, और आज उनको एक रेयर प्रिविलेज मिल रही है, बड़े सौभाग्य की चीज़ें मिलने जा रही हैं, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉयल। तो ऐसी कंट्री को वो होस्ट करने जा रहे हैं, वो लोग जिनको सोसाइटी के रूल से निकाल दिया गया, वो लोग जिनको सोसाइटी में नहीं रखा गया, वो लोग जिनको कंट्री के किसी भी तरह के सिस्टम को अप्रोचेबल बनाने के लिए नहीं कहा गया, उनको ये मौका मिल रहा है कि आज वो अपनी कंट्री को होस्ट करने जा रहे हैं। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, तो जितने भी गेस्ट वहाँ इकट्ठे हुए हैं उनको उन्होंने थैंक यू बोला। फॉर हैविंग कम टू टेक पोजिशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, उनकी अपने लोगों के साथ वहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, बैठने के लिए, अपनी सहमति देने के लिए उनको थैंक यू बोला। ऑफ वॉट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री, वन नंबर का क्वेश्चन, कॉमन विक्ट्री है ये, कॉमन विक्ट्री किसकी है, जस्टिस फॉर पीस फॉर ह्यूमन डिग्निटी, तो इनकी ये कॉमन विक्ट्री है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो आखिरकार अब उन्हें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन मिल गया है। इमेंसिपेशन का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो अब दोबारा जन्म नहीं लेगी, तो जो चीज़ें ख़त्म हो गई, जो सफरिंग्स ख़त्म हुई, जो वाइट सुप्रीमेसी ख़त्म हुई, उससे वो पूरी तरीके से इमेंसिपेट हो गया, यानी कि अब वो सिस्टम दोबारा वापस नहीं आने वाला है। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, अब इन्होंने प्लेज किया कि वो जो इनके लोग हैं उनको लिबरेट करके रखेंगे, यानी फ्री रहेंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार जो गरीबी सफ़र कर रहे थे, गरीबी को फेस कर रहे थे, डिप्रिवेशन फेस कर रहे थे, सफरिंग फेस कर रहे थे, जेंडर और दूसरे डिस्क्रिमिनेशन को फेस कर रहे थे, अब वो बिल्कुल भी दोबारा ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई कंडीशन नहीं आएगा, उसके लिए उन्होंने प्लेज किया। ठीक है, नेवर एंड नेवर, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाई एनदर। कितनी बढ़िया लाइन यहाँ पे इन्होंने कही कि कभी दोबारा कभी ऐसा नहीं होगा कि फिर से ये कंट्री इस तरह के सफरिंग को फेस करे। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, तो जो ह्यूमन अचीवमेंट अब मिली, इसका सूर्य, जो उसका सूरज है, जो उसका उजाला है, कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा कि वो सेट हो जाए, ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। लेट फ्रीडम रेन, मे गॉड गॉड ब्लेस अफ्रीका, अब कहा अब यहाँ सिर्फ आज़ादी का राज चलेगा, और गॉड ब्लेस अफ्रीका कहकर उन्होंने अपनी स्पीच ख़त्म की। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट इन्होंने आपने देखा कि हाँ उन्होंने अपनी स्पीच दी। अब देखिए इसमें ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस, सेरेमनी कहाँ हुई, एमपी सैंडस्टोन एमपी थिएटर, यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। कैन यू नेम एनी बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन यानी जो पत्थर से बनी हुई, कोई भी बिल्डिंग आप बता सकते हैं। कैन यू से हाउ 10 मे इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका, सोल्यूशन मैंने दिया हुआ है कि 10th मे को ऑटम डे क्यों कहा गया, क्योंकि पुरानी गवर्नमेंट खत्म हुई, वाइट सुप्रीमेसी खत्म हुई और नॉन रेशियल गवर्नमेंट बन गई। At the beginning of his speech, Mandela says mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? ये human disaster का क्या मतलब है उनका, आप बताइए। And what is glorious human achievement? He speaks of at the end. तो शुरू में human disaster बोला, last में human achievement बोला, दोनों में compare करना है, दोनों के बारे में लिखना है। What does Mandela thank the international leader for? International leader को Mandela ने क्यों thank you बोला? What ideas does he set out for the future of South Africa?
साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन सा आइडियल उन्होंने सेट किया। तो इतने सारे क्वेश्चन के आंसर हम लोगों ने अभी ऊपर वाले पैराग्राफ में देख लिया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप ये सारा शुरू से अब तक रिवाइंड करके, रिकैप करके, फॉरवर्ड रिवर्स करके आप पढ़ लीजिए और अपनी प्रॉब्लम पूछ लीजिए। मिलता हूँ आपसे जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।